मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी के साथ ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तीन बेटियाँ हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में मैं अपनी लाइफ में ये कंडीशन किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों को जब तक बीच चौराहे पे फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक ये नहीं मानेंगे, बहुत भाईचारा हम हिंदू ने निभा लिया। हिंदू कमजोर नहीं है, हर हिंदू शेर है, पर जगाने की देर है। और हम जगाने के लिए चाहे हमें दिन रात एक करना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे कितनी ही पुलिस फोर्स लगा दी जाए, जितनी ताकत है वो लगा दी जाए, हिंदू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि बात बच्चियों पे आ गई है। पुलिस लग रही है, पुलिस लग रही है, अपना काम कर रही है पुलिस। ना ना हाथ से नहीं निकलेगा, आप कुछ नहीं होगा, शांति है। बाहर के लोग हैं, टप्पल के लोग ही नहीं इतने भड़काने वाले थे। पुलिस अपना पूरा काम सही कर रही है। अभी हिंदू इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। जय श्री राम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव भाटी है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ही हूँ और युवा मोर्चा से हूँ। ये जितना भी कम से 5,000 की जनसंख्या आया, मुस्लिम समाज की कोई लोग आया या बैठने के लिए? लोगों ने भारत देश के अंदर ना, आप देखोगे इन्होंने भाईचारे यहाँ पे भी मुसलमान जो है यहाँ पे कोई साथ देने के लिए एक बार भी ये बैठने के लिए नहीं आया कि हाँ हम तुम्हारे साथ आए। भाईचारा तो हमारा ही, भाईचारा सिर्फ हम ही दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे भाईचारा। उन लोगों को चार लगा देंगे जिन्होंने गलत काम किया है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा, आपको और उनका, हमको पता है ना, हमको पता है, हमको उस विशेष समुदाय का पता है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मारपीट करते हैं, गाली बकते हैं। कौन बक रहा है? बाहर से आए लोग। जो लोग बाहर से आए वो गाली बकते हैं, गांव के लोग भी उनके साथ।